दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में रोहित शर्मा ने जड़ दिया दोहरा शतक। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपना असली रूप दिखाते हुए दोहरा शतक लगाकर सभी को हैरान कर दिया है। तो आखिरकार कैसे रोहित शर्मा ने अपना असली रंग दिखाते हुए दोहरा शतक लगाकर सभी को हैरान किया, या तो आपको बताएंगे ही, साथ में उनका तूफानी पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा शुभमन गिल में कौन है बेहतरीन सलामी बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच इंग्लैंड के लंदन में स्थित ओवल मैदान पर खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें भारतीय टीम के खिलाड़ी हाल ही में आईपीएल खेलकर आए हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी में लग गए हैं। तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर खिलाड़ियों के आईपीएल में अपना नाम नहीं दिया था, ऐसे में अब भारतीय टीम को हराने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों तैयार हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मुकाबला 7 से 11 जून को होने वाला है। आपको बता दें भारतीय टीम लगातार दूसरी बार टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुकी है। पिछली बार होने न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब की बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार खिताब हासिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में इस फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने दोहरा शतक लगाकर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल रोहित शर्मा ने ओवल के मैदान पर मुकाबले से पहले अभ्यास सत्र के दौरान दोहरा शतक लगा दिया, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल उन्होंने खेले गए अभ्यास मुकाबले में पारी की शुरुआत करते हुए पहली गेंद पर ही छक्का लगाया और पहले ओवर में 4 छक्के और 2 चौकों की मदद से 32 रन बटोरे। इतना ही नहीं, उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी कर 12 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, साथ में 21 गेंदों पर अपना शतक भी पूरा कर लिया, जिसके बाद उनका और भी ज्यादा खतरनाक रूप देखने को मिला और उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों पर अपना 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया। साथ में लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर 19 ओवर में जडेजा के सामने 45 गेंदों पर 200 रन का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा अंत तक नाबाद रहे, जहां पर रोहित शर्मा ने 50 गेंदों पर 225 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 22 छक्के और 12 चौके लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 450 का रहा। ऐसे में इनके तूफानी प्रदर्शन को देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट खुश हुआ और इसी तरीके के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करने लगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में रोहित शर्मा दोहरा शतक लगा पाएंगे या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।